सो गाइस आईपीएल 2021 का बिगुल बज चुका है और गाइस 19 सितंबर को खेला जाना है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच में क्लैश होने वाला है। और गाइस आज की इस वीडियो में फाइनली मैं बात करने वाला हूं कि आखिर चेन्नई सुपर किंग अपने मिडिल ऑर्डर में वो कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं जिन्हें उतारते हुए नजर आ सकते हैं, और साथ में बेंच स्ट्रेंथ भी बताने वाला हूं। यानी चेन्नई का ओवर एंड ऑल अगर आज बात करूं तो मिडिल ऑर्डर का पूरा काला चिट्ठा खुलने वाला है कि आखिर यूएई में आखिर कौन कौन से खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में चेन्नई के रहने वाले हैं और कौन से खिलाड़ी इनके प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। सो गाइस किसी भी टीम की अगर मैं बात करूं तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से बेस रहता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बलबूते पे ही फिनिशर्स आके अपना काम करते हैं, और वहां पे अगर बात करें तो कोई भी टीम एक अलग प्लेटफॉर्म एक अलग रन पे पहुंच जाती है। और गाइस इसलिए आज करने वाला हूं मिडिल ऑर्डर का पूरा काला चिट्ठा ओपन। सो गाइस ये वीडियो अभी प्ले के पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दाएं तरफ सब्सक्राइब का बटन होगा उसे फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पहले खिलाड़ी के नाम की जो कि चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में आता हुआ नजर आने वाला है। इनका नाम है मोइन अली। भी मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं कि मोइन अली चेन्नई के लिए जो कि मिडिल ऑर्डर में काफी बेहतर खिलाड़ी है वन डाउन पे आने वाले हैं, और पूरी तरीके से जो बेस तैयार होने वाला है वो मोइन अली के ही इर्द गिर्द तैयार होने वाला है। सो गाइस फाइनली मैं बात करने वाला हूं दूसरे नंबर पे, और गाइस ये रहने वाले हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना को अपना काम बखूबी करने आता है, क्योंकि आईपीएल में हर साल ये अब चेन्नई के लिए एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए हैं। इन्हें अनुभव का कोई भी कमी नहीं है और इनसे पूरी तरीके से चेन्नई की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और गाइस इस साल रैना के आने के बाद चेन्नई फिर से चेन्नई वाला काम कर रही है, जैसे कि आईपीएल में अनुमान जब चेन्नई जैसी जानी जाती है रैना के आने के बाद फिर से वही यहाँ पे चेन्नई का पूरा रंग रूप सामने आ चुका है। और गाइस तरीके से मैं बात करूँ जो दूसरे खिलाड़ी रहने वाले हैं उनका नाम है सुरेश रैना। सो गाइस फाइनली मैं बात करने वाला हूँ तीसरे खिलाड़ी के नाम की, और गाइस इनका नाम है एमएस धोनी। अब एमएस धोनी को काफी लोग कहेंगे एज अ फिनिशर, लेकिन इन्हें मिडिल ऑर्डर भी बैट्समैन के नाम से जाना जाता है। और गाइस यहाँ पे बात करें तो धोनी पर इस दफा काफी बड़ा यहाँ पे जिम्मेदारी रहने वाला है, ना कि बैट पे विकेट कीपिंग और कप्तानी से भी यहाँ पे धोनी को एक अलग नेक्स्ट लेवल का काम करना पड़ेगा। वो तो धोनी हर साल ही करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे धोनी को करना पड़ेगा, और ट्रॉफी जिताने में जो सबसे ज्यादा जो बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं वो एमएस धोनी ही निभाने वाले हैं। सो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ अगले खिलाड़ी के नाम क्या होगा, इनका नाम है जडेजा। जडेजा की बात करूँ तो ये एक्सपेक्टर खिलाड़ी रहने वाले हैं, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं रहने वाली है। और गाइस जडेजा की बात करूँ तो ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों से चेन्नई को काफी बड़ा यहाँ पे सहायता करने वाले हैं। और गाइस मिडिल ऑर्डर में बात करूँ तो यहाँ पे जडेजा एक्सपेक्टर खिलाड़ी चेन्नई के लिए रहने वाले हैं। और गाइस इस तरीके से बात करूँ तो यहाँ पे अगले खिलाड़ी का नाम है जो कि चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में आने वाले हैं उनका नाम है जडेजा। सो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ अगले खिलाड़ी के नाम क्या होगा, इनका नाम है अंबती रायडू। अब अंबती रायडू के बारे में काफी लोग जानते हैं कि यहाँ पे चेन्नई के लिए जब 2018 में जब चेन्नई के लिए पहली दफा खेले थे उस सीजन में चेन्नई को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं करा था, सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद उनसे ओपनिंग छीनी गई, ये मिडिल ऑर्डर में आए और मिडिल ऑर्डर में भी चेन्नई के लिए वही परफेक्ट काम हमेशा से करते हुए नजर आए थे। और गाइस इस साल भी बात करूं जब पहला फेज का अंतिम मुकाबला खेला गया था तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ इन्होंने ताबड़तोड़ धुआंधार पारी खेली थी, जिसके मदद से वो मुकाबला भले ही चेन्नई हार गई थी लेकिन मुंबई को काफी बड़े यहाँ पे बुरी तरीके से शिकस्त दे सकती थी, लेकिन यहाँ पे पोलार्ड का बल्ला चला था, वही फॉर्म यहाँ पे अब फाइनली इन्हें दिखाने की जरूरत है। और गाइस आईपीएल 2021 के सेकंड फेज में इनके ऊपर भी जिम्मेदारी भरपूर रहने वाली है। तो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ अगले खिलाड़ी के नाम की, और इनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा की बात करूँ तो ये चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में रहने वाले एज अ बैकअप खिलाड़ी। और गाइस यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी अगर ऊपर का यहाँ पे चोटिल होता है या फिर बाहर होता है तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ अगले खिलाड़ी के नाम क्या होगा, इनका नाम है एन जगदीशन। नारायण जगदीशन की बात करूं तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े यहाँ पे नाम चलते हैं कि मिडिल ऑर्डर में ये काफी बेहतर खिलाड़ी हैं, और यहाँ पे तमिलनाडु के लिए ये एज अ ओपनर भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन चेन्नई के लिए जब भी इनकी बारी आएगी तो वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही आने वाली है। और गाइस यहाँ पे नारायण जगदीशन की बात करूँ तो ये भी एज अ बैकअप यहाँ पे विकेट कीपर बैट्समैन यहाँ पे पड़े हैं, और गाइस यहाँ पे नारायण जगदीशन से भी काफी बड़ी उम्मीदें रहने वाली हैं, क्योंकि नारायण जगदीशन जब डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के आ रहे हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के आ रहे हैं, तो चेन्नई के फैंस इनसे चाहेंगे कि जब भी इन्हें मौका मिले, जब भी एक इक्का दुक्का मुकाबला खेलने का मौका मिले तो ये अपना बेस्ट पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे के निकले। सो गाइस फाइनली बात करने वाला हूँ अंतिम खिलाड़ी के नाम क्या होगा, इनका नाम है रॉबी उथप्पा।
अब रॉबिन उथप्पा की बात करूं तो रॉबिन उथप्पा चेन्नई के लिए काफी बड़े खिलाड़ी हैं और साथ में आईपीएल के नजरिए पे भी ये काफी बड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि आईपीएल में ऑरेंज कैप होल्डर भी रह चुके हैं, काफी ज्यादा रन भी बनाए हैं, इन्हें आईपीएल का अनुभव भी है और काफी बड़े बड़े इन्होंने कारनामे करके दिखाए हैं। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और आज नतीजा ये सामने निकल के आया है कि रॉबिन उथप्पा चेन्नई सुपर किंग के लिए एज अ बात करें तो यहां पे लीड बैट्समैन नहीं है, ये बेंच स्ट्रेंथ बन गए हैं। यानी यहां पे जब चेन्नई के कोई भी खिलाड़ी यहां पे समस्या होता है, जब चोटिल होता है, तो उसके जगह पे इन्हें बल्लेबाजी का मौका मिलने वाला है और इन्हें अपना प्रूफ करना पड़ेगा कि चेन्नई इन्हें बेंच पे बैठा के काफी बड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर रही थी। और गाइस जब भी इन्हें मौका मिलेगा, मौका तो मिलने ही वाला है, जब इन्हें मौका मिलेगा चेन्नई की तरफ से इन्हें अपना बेस्ट और सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा गाइस। उस तरीके से अंतिम खिलाड़ी की बात करूं तो इनका नाम है रॉबिन उथप्पा। तो गाइस ये थे वो खिलाड़ी जिन्हें मैंने पूरी तरीके से दृष्टि डाल दिया है, पूरी तरीके से खिलाड़ियों को पूरी तरीके से मैं बता दिया हूँ कि कौन कौन से खिलाड़ी आने वाले हैं चेन्नई के मिडल ऑर्डर में और किनसे उम्मीदें रहने वाली हैं सबसे ज्यादा। तो गाइस फाइनली आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से खिलाड़ी बेस्ट रहने वाले हैं, आपकी जो राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।